जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉम्बकलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम जगन्नाथ जी के एक लड्डू की रेसिपी बनाने वाले हैं। ये लड्डू मतलब लड्डुओं का समाहार है, इसको बोलते हैं खरचूड़ा, और ये बहुत सारे लड्डुओं का एक समाहार होता है। याद है जब मैंने एक बनाया था लड्डू, सबसे पहला जो लड्डू बनाया था मैंने डालिंब, वो तो एक लड्डू था, उसमें हमने 3-4 लड्डुओं को एक साथ बांधा था, तो ये उसी प्रकार का लड्डू होगा लेकिन बहुत बड़ा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा लड्डू उसमें होंगे। जब मैंने डालिंब बनाया था तब मैंने कहा था मैंने 4 या 3 या 5 उस तरीके से बांधे जाते हैं, तो लेकिन इसको 20-25-30 इसी तरीके से बड़े बड़े आकार में बांधे जाते हैं, 20-30 लड्डुओं को एक साथ बांधा जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ज़्यादा सामान इसमें हमको नहीं लगेगा। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप चावल का आटा। ये देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले इस आटे को बनाया है। 1.5 कप चावल का आटा हमने लिया है, उसमें हम पानी डाल के उसको गूंधेंगे और उसके बाद उसको फ्राई करेंगे, और इसको लिए हमें चाहिए होगा घी, और हमें चाहिए होगा गुड़, और हमें चाहिए होगा पाउडर शुगर। चावल का आटा, घी, गुड़ और पाउडर शुगर, और थोड़ा सा हमें चाहिए होगा कपूर, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं खरचूड़ा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, इस चावल के आटे में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसका एक टाइट सा डो बना लेंगे। ये देखिए उसका हम एक डो बना लेंगे। अभी देखिए हमें इसी तरीके का एक टाइट सा डो बनाना है। ये देखिए टाइट सा डो बनाना है, बिल्कुल भी नरम नहीं रखना है, टाइट सा ही डो बनाना है। नरम रखेंगे तो वो जब हम इसको फ्राई करेंगे तो वो खुल जाएगा। ये देखिए अब ये बनके तैयार है। ये देखिए ये बनके तैयार है। तो अभी हमें क्या करना है, इसके छोटे छोटे पेड़े निकालने हैं। देखिए जैसा हम डालिंबों में किया था आपने देखा होगा, ये देखिए इसी तरीके का या फिर इससे भी ज़्यादा छोटा। और मैं एक बात बता दूँ, ये जो खरचूड़ा में ये जो लड्डू हम बनाएंगे, इसी तरीके का लड्डू एक होता है महाप्रसाद टोकरी, एक छोटा सा होता है जिसको शाल लीफ में मतलब फोल्ड करके उसको देते हैं। मैंने अपने एक एपिसोड में कहा था कि हमारे यहाँ पर शादी ब्याह सारे शुभ कार्यों में महाप्रसाद का यूज होता है, तो यही लड्डू होता है उसमें, उसी को महाप्रसाद के रूप में हम हमारे सारे कार्यों में यूज़ करते हैं। बंगाल में भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं उसको, और उड़ीसा में भी करते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इसी को इसी तरीके से गोल 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 जितने भी पेड़े बनेंगे सबको हम बना लेते हैं। अभी देखिए ये सारे हमारे जो बॉल्स हैं, जो लड्डू के बॉल्स से बन के तैयार हैं। तो चलिए घी हमने ऑलरेडी गर्म कर रखा है, उसमें हम उसको डीप फ्राई करेंगे। इसको खौरा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा फ्राई किया जाता है, मतलब खौरो भजा जिसको बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करने को उड़िया में बोलते हैं खौरो भजा। कुछ लोग इसको खोइरो चूड़ा बोलते हैं, लेकिन ये खोइरो चूड़ा नहीं है, ये खरचूड़ा है। खौरो मतलब बहुत कड़ा, मतलब लड्डू को जो बहुत कड़ा करके हम फ्राई करते हैं, ये उसी तरीके का लड्डू है। और बंगाल में भी इसी तरीके का एक लड्डू बनता है, लेकिन वो दूसरा लड्डू है, मैं आपको आगे दिखाऊंगी किसी और दिन कि वो किस तरीके का लड्डू है। तो अभी हम क्या करते हैं, उसको डीप फ्राई करते हैं। अभी देखिए घी हमने गरम कर लिया है, अगर आप इसको घी में बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम एक एक करके जो ये लड्डू हैं उसको इस घी के अंदर डाल देते हैं। अगर आपका सारा लड्डू एक ही बार में आ जाएगा तो आप उसको ज़रूर एक ही बार में फ्राई कीजिए, अगर एक ही बार में नहीं आता है तो आप उसको बारी बारी से उसको फ्राई कीजिए। अभी देखिए जितने हमने बनाए थे वो एक ही साथ में आ गए, क्योंकि मैंने बहुत कम बनाया था, मैंने एक ही खरचूड़ा बनाने के लिए उतना ही मैंने बॉल्स बनाए थे। ये देखिए, और हमें इसको अच्छी तरीके से लाल होने तक, और जैसा मैंने कहा इसे थोड़ा छोटा बनता है, बॉल्स जो है थोड़ा छोटा बनता है, लेकिन मैं थोड़ा बड़ा बनाई हूँ, लेकिन प्रोसेस वही है और टेस्ट भी वही है, प्रोसेस वही है, भगवान जी के पास लगता है सब कुछ वही है, लेकिन मैं थोड़ा बड़ा बना रही हूँ। अभी देखिए ये सारे जो बॉल्स हैं वो डीप फ्राई हो गए हैं और हमने उनको निकाल लिया है, और अभी हम क्या करेंगे, गुड़ का शीरा बनाएंगे, मतलब चाशनी बनाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और यहाँ पर मैं 1 कप गुड़ डाल रही हूँ।
एक कप गुड़ से हमें बनाना है वो, अभी देखिए हमें इस गुड़ को अच्छी तरीके से पकाना है जब तक कि ये एक तार की चाशनी ना हो जाए और उसी में हम उसको पकाएंगे, लेकिन उसका एक तार का चाशनी होना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए गुड़ हमारा बनके तैयार है, अभी हम गैस को ऑफ कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं, उसके बाद ये जो लड्डू चावल के लड्डू हम बनाए हैं उसको उसके अंदर डालेंगे। अभी हम क्या करेंगे, ये जो चावल के लड्डू हमने लिए हैं उसको इस गुड़ में डाल देंगे। इसमें गुड़ थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा गुड़ इसमें लगता है, अभी हम उसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे। जैसा मैंने कहा, मैं बता देती हूँ कि ये थोड़ा सा छोटा बनता है, लेकिन मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना लिया है, लेकिन ये अमूमन छोटा बनता है, एग्जैक्टली उसका आधा बनता है, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा बड़ा बना दिया है और मैं आपको ये कह भी रही हूँ, घर में बना रही हूँ तो बड़ा बना रही हूँ, कोई मतलब ऐसा नहीं है, मंदिर में तो छोटा ही बनता है। अभी हम उसको अच्छे तरीके से मिला देंगे। अभी हम क्या करेंगे, ये जो मिश्रण है देखिए अभी इसी तरीके का होगा, ये देखिए थोड़ा सा लोटपोट हो जाएगा लेकिन इसी तरीके का होगा। हम उसे एक मिट्टी के पॉट में निकाल लेंगे जिसको कि बोलते हैं सौरा, क्योंकि अगर हम इसी अवस्था में उसको नहीं निकालेंगे तो वो उस शेप में नहीं आएगा जिस शेप में खोरो छुड़ो आता है, मतलब ये बहुत सारे लड्डू एक साथ जॉइंट होने के लिए इसी शेप में आना ज़रूरी है, और इसके लिए हम गुड़ को फिर से वापस पाउडर नहीं कर सकते और इसी अवस्था में हमें इसको मिलाना होगा। देखिए एक लड्डू टूट गया, और ये देखिए अभी ये चिपक जाएगा उसमें से अच्छी तरीके से, और पानी का हाथ थोड़ा होके हमें इसको अच्छी तरीके से उसके साथ लगा देना है ताकि ये अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो ये देखिए ये है खरचूड़ा, इसको मैंने हाथ से ऐसे ऐसे मतलब ऐसे उठा दिया है ऊपर को, क्योंकि ये ऐसे उठाया जाता है, मैंने थोड़ा कम बनाया है इसलिए वो थोड़ा कम ऊंचा उठा है, लेकिन मंदिर में एक बहुत बड़ा बनता है तो ये जो सौरा है ये सौरा भर के वो बनता है और इतना बड़ा बनता है। ये आपको कब करना है, जब गर्म होगा गुड़ तभी करना है, जैसा मैंने कहा था कि पेनफुल प्रोसेस होता है, और गर्म गुड़ को ऐसे पानी का हाथ लगा के उसके ऊपर उठाना बहुत पेनफुल होता है, मतलब हाथ सूज जाएगा, लेकिन जिसको आदत है उस चीज़ की उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कपूर और शक्कर का पाउडर डाल दूँगी, जैसा मैंने कहा था उसको गार्निश किया जाता है खंडों से, खंडों तो मेरे पास नहीं है तो मैं शक्कर का पाउडर डाल रही हूँ और इसमें मैंने कपूर डाल दिया है। तो खैर ये थी आज की हमारी वीडियो, हमारी महाप्रसाद भोग की रेसिपी खोरो चूड़ा। आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम फिर से जगन्नाथ जी का एक प्रसाद लेकर फिर कभी आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, जय जगन्नाथ, जय माता दी।